अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो जी आज आई एम ड्राइविंग द सेकंड सिविक ऑफ माय लाइफ। सबसे पहली सिविक मैंने अपनी सिविक चलाई थी, उसके बाद से मैंने कोई सिविक नहीं आज तक चलाई, तो ये सेकंड सिविक है। ये 2018 की सिविक है जी, जिसके आप रिव्यूज़ प्रॉब्ली आ गई, उसके मैं लिंक लगा दूंगा, जिसके आपने देख लिए होंगे। ये 2018 की सिविक है जिसका मीटर एड आया था, और दिस इज़ द यूजी, ये ओरियल ग्रेड है। तो ड्राइव के फर्स्ट इंप्रेशन बात की जाए तो आपको मेरी वाली से कोई सब्सटैंशियल फ़र्क एज सच महसूस नहीं होगा ड्राइव करते हुए ना, लेकिन कुछ जगहें जो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बना देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात की जाए तो बैठ के मुझे सीट्स की फोमिंग थोड़ी हार्ड लगी, अब मुझे नहीं पता क्यों, या दिस वॉज एन आफ्टर मार्केट पैकेज, लेकिन यह कि है तो यूजी, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ भी सारा लेदर है, यहाँ भी लेदर, तो प्रॉब्ली सीट कुशनिंग थोड़ी नई में बेहतर है। उसके बाद आई एम नोटिसिंग के साउंड इंसुलेशन नई वाली की बेहतर है, इसमें इंजन नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा प्रोट्रूडन हो रही है, और आपके पास अगर आप ये थोड़ी सुन सकें वो जो रूम सी आवाज़ आ रही है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, लेकिन मैं चुप होता हूँ। ये एक ना पीछे से एक ड्रोन सी आवाज़ ना बैकग्राउंड में, तो वो थोड़ी आ रही है, जो प्रॉबेबली हाई स्पीड्स पे तो थोड़ी फेड हो जाएगी, लेकिन लो स्पीड पे ना थोड़ी पता चल रही है। तो इंसुलेशन के लिहाज से नई वाली में थोड़ी इम्प्रूवमेंट, मैं कहूँगा थोड़ी नहीं, देयर इज अबाउट 40-50% इम्प्रूवमेंट इन द न्यू वन, अलॉन्ग विद आपकी जो सीट कम्फर्ट है, इसकी मुझे सीट थोड़ी हार्ड लगी नहीं एज कम्पेयर टू द इसकी सीट, ऑल दो इट्स नॉट एज हार्ड एज ग्रांडे, लेकिन फिर भी नई वाली की इससे सॉफ्ट सीट है। आगे मूव किया जाए तो असेंशियल्स, स्टेयरिंग व्हील का मटेरियल सेम है, ये मैंने जैसे बताया, ये नई वाली का नया एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। उसके अलावा इनिशियल टच पॉइंट सेम है, अगर ये देखा जाए, ये जो टर्न सिग्नल है ये भी इतना डिफरेंट नहीं है, इसकी भी फील सेम ही है। और अगर मैं गाड़ी को थोड़ा पुश करूँ तो कंसिडरिंग ये 3 साल पुरानी गाड़ी है, इसमें अभी भी एक अच्छा और डिसेंट पंच है, ठीक हो गया। और बाय द वे अभी हमने एक ड्रैग रेस भी किया, तो काइंडली आप वो भी चेकआउट कीजिएगा, उसमें अंडर सेफ सर्कमस्टांसेस हमने ड्रैग रेस की थी, और उसमें वो जो इंजन की ट्वीकिंग है ना, उसने थोड़ा सा नई वाली को एज दिया था, ये तो मैं कहूँगा ठीक हो गया। तो अभी ये थोड़ी ज़रा ख़राब हो रही है, तो अभी हम ज़रा सस्पेंशन टेस्ट भी कर लेते हैं, अभी ज़रा उसी गाड़ी को आ जाने दी। तो सस्पेंशन थोड़ी सी मुझे उससे फ़र्क ज़रूर लगे नई वाली की, थोड़ी सी सॉफ्ट है, और प्रॉब्ली वो नई गाड़ी है, ये थोड़ी 3 साल हो गए, तो ज़ाहिर बात है सस्पेंशन थोड़े हिकअप्स तो नहीं होंगे, तो ये है। अच्छा, अब आप देखिए इंसुलेशन में आपको एक थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा थोड़ी सी रोड नॉइज़ ज़्यादा प्रोट्रूड कर रही होगी अंदर। ये बेसिकली इस फेस में सबसे जो मेजर इम्प्रूवमेंट है वो इंसुलेशन बहुत अच्छी है। बाय द वे टायर्स एग्जैक्ट सेम है, इसके भी बीजी लक्सो प्लस है, नई वाली के भी बीजी लक्सो प्लस है। अच्छा, इसमें ट्रांसमिशन में थोड़ा सा ना जर्क आ रहा है, ये देखिएगा, ये ठीक हो गया, नई वाली में ये थोड़ा फ्लैट आउट, ये मैं कहूँगा जरा थोड़ा ग्रांडे जैसा जर्क है, ये देखिए, ये ना थोड़ा ग्रांडे जैसा जर्क है, जो ठीक है अगर आपने एस में करना है तो ठीक है, तो वो एस में सेम आ रहा है, लेकिन आई वुड से कि 3 साल पुरानी गाड़ी के लिहाज से इसकी इंजन इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, मतलब आपको लग नहीं रहा कि ये इतना यूज्ड है, और ये गाड़ी 1 लाख चल भी गई है। तो ऑल दो सस्पेंशन के बारे में फिर कहूँगा, अभी मैं खड्डे से गुजरा हूँ अपनी होती तो इस तरह वो राटल नहीं करती है, लेकिन ये आपकी आवाज़ आई, तो इसकी आई वुड से कि इस मामले में थोड़ा सा है। उसके बाद अगर मैं थोड़ी से भगाऊँ तो इंजन इज डिसेंट, जहरी बात है थोड़ा सा इस्तेमाल है, तो इट्स नॉट एज फ्रेश एज दैट, आई वुड से जो थोड़ी सी ट्वीकिंग है ना वो थोड़ा सा फ़र्क डाल रही है, जब मैं थोड़ा सा इसे पुश करूँ ना, तो अब आप देखिए अगर मैं थोड़ा सा इसे पुश करूँगा तो वो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर डाल रही है, और अगर मैं इसकी ट्रैक्शन ऑफ करूँ तो भी थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें, राइट। बाय द वे जी हमारी खड़ी हुई, तो बाय द वे जाने देते हैं, फिर हम यूँ कर लेते हैं, तो ये हालात है जी। ऑल एंड ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि
गाड़ी के जो नोन फॉल्ट्स थे उसमें कि इसका एसी का फॉल्ट था, एसी का पता चलता है फॉल्ट अगर आप इसे लो पे रखें, नहीं रखें तो एक वाजे फ़र्क है क्योंकि इसमें इन्होंने कॉम्प्रेसर चेंज किया है। स्टेयरिंग का जैसे इसको ओनर बता रहे थे एक मसला आया, मुझे अभी ऐसे स्टेयरिंग में कोई मसला नहीं है, बड़ा डायरेक्ट है, देखें फुल आपको डायरेक्ट मिल रहा है, और अगर हम थोड़ी स्पीड पर भी जाएँ तो उस पर भी ये डायरेक्ट ही स्टेयरिंग है, अनलाइक करोला वोला चले उनका तो एक और मसला है, तो डायरेक्ट है। जहरी बात है स्टेयरिंग में एक मसला आया था, मेंड हुआ, ये रिप्लेस स्टेयरिंग रैक नहीं हुआ, शुक्र है रिप्लेस नहीं, वरना बड़ा महंगा होता। तो ये है, तो ऑल एंड ऑल इंटीरियर ने एज भी काफ़ी सही किया, ऑल दो थोड़े से एक दो मार्क्स हैं जो कि गाड़ी में आ जाते हैं, जैसे मेरी भी सिटी थी उसमें भी इन्होंने वॉश करते करते जब मैं सर्विसिंग के लिए गया था तो उन्होंने एक मार्क डाल दिया था। तो जी ऑल एंड ऑल दिस वॉज माई रिव्यू ऑन होंडा सिविक 2018 फ्रॉम द ग्राउंड अप, फ्रॉम इंजन टू सस्पेंशन टू क्या कहते हैं सीट कम्फर्ट टू इंसुलेशन, और इसकी एवरेज सरप्राइजिंगली इसके जो ओनर हैं वो बता रहे हैं कि इसकी 9-10 से ऊपर एवरेज नहीं आ रही। अब ये थोड़ी सी ज़रा कंसर्निंग बात है, और ये कंसर्निंग बात इसलिए है क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके भी उनका भी यही कहना है कि यार जो पुरानी है ना फेसलिफ्ट प्री फेसलिफ्ट उन सब की जो एवरेजेज है ना वो आपको 9-10 ही मिल रही होती हैं, फेसलिफ्ट की अच्छी मिल रही होती है। फेसलिफ्ट मेरे पास भी है, मेरे एक और दोस्त के पास भी है, वो भी कहते हैं कि एवरेज आपको डिसेंट मिलती है। मुझे फेसलिफ्ट जो है एवरेज शहर के अंदर 13-14 दे रही होती है इस्लामाबाद के अंदर, और लॉन्ग पे 16.5 दे रही होती है, विच इज़ वेरी नाइस। वेयर एज इसके जो ओनर कह रहे हैं कि ये 9-10 ऊपर नहीं जा रही, आई डोंट नो व्हाई, और कभी कभी 7 भी हो जाती है जब आप खींचने पे। तो ये है, बाकी इसकी एज पर द ओनर कह रहे थे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कोई इतनी स्पार्किंग या इतनी कोई रिफाइंड नहीं है, और मुझे वो नज़र आ रहा थोड़े इसके शीशों के अंदर थोड़ा गैप है, यहाँ थोड़ा यू नो ये थोड़ा गैप है इसका, बाकी इसका ये एक गैप है। तो इंटीरियर क्वालिटी बेहतर हो सकती थी, जिन्होंने शुक्र होंडा ने थोड़ा सुन के थोड़ा बेहतर ज़रूर किया। तो जी दिस वाज आवर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन द 2018 के ड्राइविंग इंप्रेशंस, आई होप यू लाइक दिस। सिविक का मैंने रिव्यू 2021 का बनाया था, तो इसलिए हमने फुल रिव्यू नहीं बनाया। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, कैंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।